हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ मुरमुरे की बहुत ही टेस्टी वाली नमकीन। सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई को गर्म किया, उसमें डाल दिया जीरा, थोड़े से सूखे हुए लाल मिर्च, उसके बाद करी लिप्स को डाल दिया, उसके बाद मूंगफली को डाल दिया है। और ये सारी चीज़ें मैंने अभी धो के ताज़े ताज़े लाई थी, तो इसलिए थोड़े बहुत छीटे ज़्यादा आ रहे हैं। आप उसको अच्छे से पोंछ लीजिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे, और जब ये अच्छे से भून जाएगा तब हमें इसमें मुरमुरा को डाल देना है। और आँच को धीमा ही रखिएगा, नहीं तो मुरमुरा पता चले जल जाए। इसको अच्छे से चारों तरफ से चलाते हुए मिक्स करना है ताकि मुरमुरा एकदम क्रिस्पी करारा बन के तैयार हो। तो इसके लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, चारों तरफ से चलाते हुए मिक्स करना है आपको। उसके बाद अब डाल देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ज़्यादा ना डालिएगा, पता है क्या होगा, ज़्यादा नमक डाल देंगे तो लास्ट में खाते टाइम आपका मन जो है मुँह एकदम नमक 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 हो जाएगा। तो इसको ना टेस्ट के अकॉर्डिंग से थोड़ा सा कम डाला जाता है। उसके बाद इन सभी को मिक्स करने के बाद आप सब देख सकते हो ये कितना ज़्यादा करारा बन गया है। तो बस गैस को बंद कर देंगे और अपने मन पसंदीदा बर्तन में सर्व करके साथ में चाय, कॉफ़ी या हल्दी वाला दूध, जो भी आपको पसंद हो वो ले लीजिएगा। और ये परफेक्ट है, एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और हाँ, इसे आप ना अपने ट्रैवल के साथ ले जा सकते हो, या अगर हॉस्टल पीजी कहीं पे भी रहते हो तो अपने साथ बना के ले जा सकते हो, बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकता है।